हाँ नहीं, उनका गौरव बताया। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, भारत और प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उनके विचारधारा के समकक्ष दल, कहीं न कहीं प्रदेश में इस बात के लिए वैमनस्यता फैलाने में लगे हुए हैं कि ये दल किसी भी धर्म या प्रदेश और देश के लोगों के खिलाफ है। मैं यहां स्पष्ट कर दूं, भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये बिल नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए बिल नहीं बना है। ये भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पड़ती, अगर कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर न करवाया होता, 1950 में नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ था कि दोनों देश अपने यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे और उन्हें अपने धर्म को मानने तथा सम्मान की रक्षा की स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत ने इस समझौते का अक्षरशः पालन किया, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पूरी दुनिया से परिचित है, वाकिफ है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या यानी गैर मुस्लिमों की संख्या 23% थी, जो 2011 की गणना के अनुसार मात्र 3.7% रह गई है। इससे ये प्रकट हो जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों का खासकर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी का रहना, अन्य अन्य जातियों का जो मुस्लिम नहीं रहना बहुत ही उनका जीवन दुभर हो गया था, इसलिए यह बिल उनको नागरिकता देने के लिए लाया गया है। और यह भी स्पष्ट बात है, इसमें केवल और इसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध पाई जी। क्या प्रदेश सरकार इस संगठन पर बैन लगाने जा रही है? देखिए, अभी जहां तक संगठन का विषय है, आप जानते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, उनके पदाधिकारी जो जो हिंसा में लिप्त पाए गए उनको हमने चिन्हित किया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये एक प्रक्रिया का विषय है, जांच चल रही है। जांच आने के बाद जरूर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पीढ़ियां भी चिंता करेंगी कि ऐसी घटना करने से वो बचे, कानून हाथ लेने में से बचे, ऐसी कड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है। मंत्री जी, एक चीज बताइए, मंत्री जी एक चीज बताइए कि अल्पसंख्यक में कौन कौन से लोग आते हैं? अभी आपने अल्पसंख्यक की बात की, कल लखनऊ में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका गला दबाया है, तो आखिर क्या माना जाए? क्या उम्मीद करते हो आप कांग्रेस पार्टी से कि वो कहेगी कि हमने जलेबी खिलाई उनको? क्या बात आप मंत्री जी, एक आखिर